यूपी की एंटी करप्शन विजिलेंस यूनिट कैसे निर्दोष सरकारी कर्मचारी को षड्यंत्र रचकर फंसाती है और गुडवर्क दिखाकर अपनी पीठ थपथपाती है, इसका एक तस्वीर कन्नौज जिले के बेसिक शिक्षा विभाग से आई है। दरअसल एंटी करप्शन विजिलेंस यूनिट ने 3 दिन पहले बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात बाबू विमल पांडे पर रिश्वत लेने का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था। आरोप था कि बाबू विमल पांडे एरियर निकलवाने के नाम पर एक शिक्षक से रिश्वत ले रहे थे, तभी टीम ने उनको रंगे हाथ पकड़ लिया। 3 दिन बाद जब घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी वीडियो को देखा गया तो तस्वीर बेहद हैरान करने वाली सामने आई। तस्वीर में साफ साफ दिख रहा कि बाबू को जबरन फाइल के अंदर पैसा रखकर 2 लोगों द्वारा दिया जा रहा है। बाबू जब रिश्वत लेने से मना करता है तो उसको जबरन फाइल पकड़वा कर खूब पीटा जाता है। कुछ लोग बाहर से आकर बाबू को पीटते हैं और फिर कुर्सी से खींचकर बाहर ले जाते हैं। इतना ही नहीं, एंटी करप्शन विजिलेंस टीम के सदस्य बेसिक शिक्षा अधिकारी के कक्ष में जाकर सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। मामले का खुलासा सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद हुआ। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी वीडियो में बाबू के पास 2 व्यक्ति खड़े हैं। ये दोनों शिक्षक हैं। इसमें सबसे पहले बाबू को पीटने वाला उन्नाव में तैनात शिक्षक प्रवीण है, जो यूटा संगठन का जिला अध्यक्ष बताया जा रहा है। दूसरा शिक्षक अनुराग सिंह यादव है, जो कन्नौज में तैनात है। इन दोनों शिक्षकों ने जबरन पैसा देने की कोशिश की और फिर बाबू को पीटने लगे। उसके बाद एंटी करप्शन विजिलेंस की टीम ने आकर बाबू को पकड़ा और बिना जांच पड़ताल किए उसको आरोपी बना दिया। फिलहाल मामले पर जिले का कोई भी बड़ा अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने सीसीटीवी वीडियो को संज्ञान में लेकर कहा कि वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो एंटी करप्शन विजिलेंस टीम ने दर्शाया है। कानूनी प्रक्रिया में सुचिता बरकरार रखनी चाहिए है। मुझे विश्वास है कि एंटी करप्शन विजिलेंस के बड़े अधिकारी मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करेंगे। वही घटना के बाद बाबू विमल पांडे ने बताया कि उसने कोई रिश्वत नहीं ली थी, उन्हें जबरन फंसाया गया है। वह एरियर का पटल भी नहीं देखता है, शिकायतकर्ता को वह नहीं जानता। बाबू विमल पांडे ने जो कहा उस वक्त उसकी एक न सुनी गई, लेकिन जब सीसीटीवी वीडियो सामने आया तो बाबू विमल पांडे सच बोल रहे थे। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे से फर्जी रिश्वत कांड में गिरफ्तारी का खेल उजागर होने के बाद एंटी करप्शन विजिलेंस की टीम पर कई तरह के सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। क्या एंटी करप्शन विजिलेंस की टीम ऐसे ही निर्दोषों को फंसाती है? क्या किसी विशेष संगठन के इशारे पर कार्य कर रही है? एंटी करप्शन विजिलेंस की टीम की फर्जी कार्रवाई को लेकर प्रदेश के शिक्षक लामबंद होने लगे हैं। जिले में एक बड़े विरोध की तैयारी भी शुरू हो गई है। सोशल मीडिया में अभी से एंटी करप्शन विजिलेंस की टीम के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है।